एके शर्मा जी, आपसे बात शुरू करता हूं, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। इस अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को क्या हासिल हुआ? एक कहावत है हमारे यहाँ से गांव एरिया में कि चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। कहां मुख्यमंत्री थे, अब क्लर्क बन के बैठ गए हैं। और ये जब से सदन चल रहा है ना, दो तीन चीजें बड़ी अनोखी हुई है। आठवां अजूबा, आपने इसके पहले कभी शेर को फ्लाइंग किस देते हुए देखा? नहीं देखा। दुनिया ने देखा पहली बार कि शेर कैसे फ्लाइंग किस देता है। कौन आया? कौन आया? शेर आया। मैंने सोचा था कि शेर बोलेगा तो संसद में भूकंप आ जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ। हमारे कांग्रेस के मित्र कितने नैरो माइंडेड है। हमने सोचा था कि कल की सुबह एक नई सरकार मिलेगी, राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता दीदी रेल मंत्री बनेंगी, केजरीवाल जी उसके वित्त मंत्री बनेंगे, और मैं भी गुलदस्ता लेके पहुंचूंगा छोटा मोटा। लेकिन अब ये बोल रहे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, किसी मोदी जी ने बोल दिया हम इसी से संतुष्ट है। भैया, हमारा उद्देश्य सरकार गिराना नहीं था। हम तो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए थे कि मोदी जी बस दो चीज बोल दे, हमें सरकार नहीं बनाना है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, शाह आलम मुगल बादशाह था, उसकी सत्ता कितनी थी? लाल किले दिल्ली से लेकर पालम तक जहां तक नजर जाती थी, केवल इतने दूरी में वो बादशाह था। तो ये सेवा बिल के बाद इनकी हालत ये हो गई है कि दिल्ली से पालम शाह आलम, और ये बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अरे आप यहाँ तो परफॉर्म कर नहीं पा रहे हो, और जो आपका ठीक है मिश्रा जी, अभी उनके समय कम है।